मधुबन में बाप के सामने अगर कोई भिखारी को ले आवेंगे। इफ यू ब्रिंग एनी विशियस पर्सन इन मधुबन इन फ्रंट ऑफ द फादर, कोई भी विकार क्यों लो, नो मैटर व्हाट वाइस इट इज, हाथी का विकार। इफ द वाइस इज एट एन एक्सट्रीम लेवल, तो क्या मिलेगा, व्हाट विल ही गेट, ऐसी बुद्धि हो जाएंगे। हाउ विल द इंटेलेक्ट बिकम लाइक, अहिल्या का क्या कहने है। व्हाट इज फेमस अबाउट अहिल्या, वाइफ ऑफ सेज गौतम, हु वाज टर्न्ड इनटू अ स्टोन, पत्थर बुद्धि बन गई। She became the one with a stone-like intellect. जो आत्मा ऐसी शिष्ट वातावरण में रहकर कि भिन्न बनने का कारण बनती है। So, the souls who, in spite of living in such an elevated atmosphere, become a cause of hindrance, vibration बिगाड़ने का कारण बनती है। Who become a cause of spoiling the vibrations, उनका तो दुर्भाग्य है ही। They are anyway unfortunate. लेकिन जो लाने के निमित्त बनती है और तब उनके ऊपर ये आधा हिस्सा पहुँच जाता है, वो तो पाप का। बट दोज हु बिकम इंस्ट्रूमेंट्स इन ब्रिंगिंग देम, दे टू रिसीव हाफ द शेयर ऑफ दैट सिन। इसलिए ये विशेष कान खोल करके सुन लेना चाहिए। दिस इज व्हाई यू शुड स्पेशली लिसन टू दिस विद योर ईयर्स वाइड ओपन। जो परमिशन देते हैं, दैट दोज हु गिव परमिशन, या जो पार्टी बनाकर लाते हैं, और दोज हु ब्रिंग द पार्टी मीनिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू मधुबन, वो बहुत सोच समझ करके पवन के देखभाल करके आत्माओं को लाया करें। शुड ब्रिंग द सोल्स आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, जजिंग देम एंड ऑब्जर्विंग देम। आज की झूठी दुनिया में झूठे एफिडेविट तो बहुत से बन जाते हैं। मेनी फॉल्स एफिडेविट्स आर मेड इन टूडेज फॉल्स वर्ल्ड, समर्पण होने के भी बन जाती है। फॉल्स एफिडेविट्स ऑफ सरेंडरिंग टू द फादर आर ऑल्सो मेड, वो कोई बड़ी बात नहीं, इट इजंट अ बिग थिंग, लेकिन अंदर से ये परखना चाहिए। बट यू शुड जज फ्रॉम विद इन, कि ये फूल बाबा के सामने ले जाने योग्य है। इज दिस फ्लावर वर्दी टू बी टेकन इन फ्रंट ऑफ बाबा। चलो, बाबा ने मुरली में कहा शंकर जी के शिव जी के मंदिर में पांच धतूरे भी अर्पण हो जाते। All right, Baba has said in the Murli, even the Akk and the Dhatura flowers are offered in the temple of Shiv. Akk and Dhatura means swallow wort and thorn apple. वो तो ठीक है। That's all right. क्या तो धतूरे जैसी आत्माएं अर्पण हो जाती हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। The souls like the Akk, the Dhatura are offered and they too are benefited. रंग से कुछ न कुछ प्राप्ति कर लेती है। दे मेक सम और अदर अटेनमेंट थ्रू द कलर ऑफ द कंपनी। वो तो ठीक है। दैट्स ऑल राइट। लेकिन जो गुलाब के फूल अर्पण करते हैं मेहनत करके। बट दोज हु ऑफर रोज फ्लावर्स बाय वर्किंग हार्ड। और जो गंदी जगह में गंदे स्थानों से या कहीं से भी उठाए के आप धतूरे जैसे फूलों को ले आते हैं। एंड दोज हु ब्रिंग फ्लावर्स लाइक द अक एंड द धतूरा from dirty places or from anywhere, and without bathing they just offer them and go away, they just increased the number, they just showed off that they did great service. So who will earn more fortune, will he too earn more fortune? लाभ और कमल जैसे श्रेष्ठ फूलों को अर्पण करने वालों का भाग्य ज्यादा बनेगा। विल दोज हु ऑफर एलिवेटेड फ्लावर्स लाइक द रोज एंड द लोटस अर्न मोर फॉर्च्यून? धतूरे जिनके अंदर से बदबू निकलती है। और विल दोज हु ऑफर फ्लावर्स लाइक द अक एंड द धतूरा दैट गिव आउट फाउल ऑर्डर अर्न मोर फॉर्च्यून? क्योंकि जो अपने लौकिक जीवन में बदबू धारण कर लेते हैं। इट इज बिकॉज those who take in bad order in their लौकिक life, बदबू कही जाती है व्यभिचार की, भ्रष्टाचार की, अडल्ट्री करप्शन इज कॉल्ड बैड ऑर्डर। जब तक पूरी सफाई न हो जाए, अंटिल द कम्प्लीट क्लीनिंग टेक्स प्लेस, उसके वाइब्रेशन निकलते जरूर, दे सर्टनली इमनेंट वाइब्रेशन।